नमस्कार। राजस्थान में कांग्रेस में चल रही खींचतान के बीच सचिन पायलट ने बुधवार को एक नया बयान दिया और उससे लगता है कि सचिन पायलट के रुख थोड़ा नरम हुआ है। उन्होंने बुधवार को सुबह NDTV से वार्ता करते वक्त कहा कि मैं आज भी कांग्रेसी हूँ। इस बात से लगता है कि वो गांधी परिवार से अभी भी पहुँच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे BJP के साथ दिखाकर आलाकमान की नज़रों में गिराने की कोशिश की गई। और उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात के बारे में कहा कि पिछले 6 महीने से वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से नहीं मिले हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से 19 विधायकों को नोटिस जारी किया गया और उन्हें कहा गया कि बैठक में नहीं आने का कारण बताया जाए, क्यों ना पार्टी तुम्हें अयोग्य घोषित कर दे। इसका जवाब उन्हें ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भी दे सकते हैं, ऐसा कहा गया है। लेकिन सचिन पायलट अभी कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो विचार करें या फिर इंतजार करें कि पार्टी उन पर क्या कार्रवाई करे। वो अभी भी बयान देते नजर आए हैं कि वो अभी भी कांग्रेसी हैं। हालांकि इस बयान से लगता है कि वो आलाकमान से मिलकर इस मामले का हल करने की कोशिश करेंगे। अभी भी उनकी जो कोशिश की जा रही है वो बंद नहीं हुई है। वो चाहते हैं कि पार्टी नहीं छोड़े और वो कई बार ऐसा कह चुके हैं कि वो किसी भी हालत में BJP ज्वाइन नहीं करेंगे। आज उन्होंने तीसरे मोर्चे की बात से भी इनकार किया है। उन्होंने कहा कि मैं अभी कांग्रेसी हूँ। देखते हैं कि उनका नया रुख क्या होता है। और आपसे निवेदन कि मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड शेयर भी करें।